साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती, कुछ विशेष मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मैं एक बार फिर से आपके बीच में उपस्थित हूँ। क्या कुछ खास अपडेट है जान लेंगे। तो मित्रों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट टाइम में क्या भर्ती पे स्टे है, क्या 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, जिलों में जारी हो रहे हैं रिक्त पदों की संख्या। तो दोस्त, बड़ी असमंजस की स्थिति प्रेजेंट टाइम में बनी हुई है। हालांकि हम चीज़ें आपको स्पष्ट कराते हुए दिखाते चलें कि एक तरफ तो ये पता चल रहा है कि भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होगी 31,661 के लिए, लेकिन दूसरे ही जगह ये पता चलता है कि भर्ती पे प्रेजेंट टाइम में स्टे भी है। अब ऐसी ऊहापोह की स्थिति बनी है, कुल मिला जुला के स्टे है कि नहीं है, भर्ती भी होने जा रही है, तो इन सारी चीज़ों पे जो है पूरी तरीके से देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ खास बात है, और अंत में मैं बात करूंगा उत्तर कुंजी अपडेट के विषय में, जो भी साथी हमारे परेशान हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले ये देखिए, ये R9 न्यूज़ है, आप देख सकते हैं। राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग में हुई शिक्षक भर्ती की सुनवाई, ये हमने आपको बताया था। और 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में नया मोड़, शिक्षक भर्ती से संबंधित डाटा न दिखाने पर फटकार, आयोग ने BSA के अधिकारियों को लगाई फटकार, शिकायतकर्ताओं को संतुष्ट नहीं करने तक भर्ती पर रोक। कुल मिला जुला के दोस्तों यहां से ये पता चलता है कि भर्ती पर अभी भी रोक बरकरार है। अब वहीं मैं दूसरी चीज़ अगर आपको दिखाऊं तो भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट करने को लेकर के यहां ये देखिए आप, जिलों को मिलेंगे 250 अध्यापक, ठीक है। ये देखिए जिले को मिलेंगे 250 सहायक अध्यापक, संत कबीर नगर से ये अपडेट है। CM के निर्देश पर प्रदेश में 31,661 पदों पर नियुक्ति का मिला है आदेश, ये न्यूज यहाँ से आप देख रहे हैं। अब आगे चलिएगा, यहाँ आप देखिए शिक्षक भर्ती पिछड़ा वर्ग आयोग की जारी रहेगी रोक, और यहाँ पे क्या है, भर्ती पे रोक लगी। तो ऐसी दशा में भर्ती स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, इस चीज पे अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ना तो कोई संतुष्ट हो पा रहा है, ना तो आयोग संतुष्ट है। हालांकि आयोग ने यह कहा कि 5 सदस्यीय कमेटी गठित करके SCRT भेजेगी, वहां पे डाटा खंगाला जाएगा, डाटा को देखा जाएगा, बाकी अगर चीजें कंफर्म निकलती हैं तब तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। अब अगर 31,661 पदों पर भर्ती स्टार्ट हो जाए, कल परसों या आज से ही लिस्ट वगैरह जारी हो जाए, तो स्पष्ट हो जाएगा कि भर्ती पे स्टे है कि नहीं। हालांकि न्यूज़पेपर और टीवी चैनलों के माध्यम से देखेंगे तो टीवी चैनल ये कहते हैं कि स्टे है, और न्यूज़पेपर कहीं कहीं कह रहे स्टे है, कहीं कहीं पता चल रहा है स्टे नहीं है। तो कुल मिला जुला के दोस्तों ये पूर्ववत स्थिति बनी हुई है। जैसे पहले आयोग ने कहा था कि हम भर्ती को रोके हैं, तो आज भी भर्ती को रोक के रखा गया। अगर आप मुझसे मेरा ओपिनियन जानना चाहेंगे तो बाकी ऐसी दशा में अगर अधिकारी भर्ती करेंगे तो फिर ऐसी दशा में आयोग क्या एक्शन लेगा यह देखने वाली बात होगी। बाकी हम संत कबीर नगर की बात नहीं कर रहे हैं, और भी डिस्ट्रिक्ट से जो है रिक्त पदों की संख्या जो है 31,661 के सापेक्ष जो है जारी कर दिया गया है कुछ जिलों में, बाकी और भी जिलों में जारी होना। हालांकि एक दो न्यूज और आप देख लीजिए फटाफट, हम आपको बता दें जो महत्वपूर्ण है। यहाँ देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में जिलों को मिलेंगे 925 शिक्षक, ये सीतापुर से अपडेट निकल के आ रही है, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। और यहाँ तो वही वाली न्यूज है, और यहाँ देखिए ये एक प्राइवेट साइट से मैं आपको बता रहा हूँ, सहायक शिक्षक भर्ती मामले पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने लगाई बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फटकार। तो कुल मिला जुला के वही अपडेट है। तो कुल मिला जुला के दोस्तों अभी भी स्थितियाँ जो है अस्पष्ट हैं, और शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में दो और गिरफ्तार, तो कुल मिला जुला के निरंतर पकड़े जा रहे हैं। STF जिस प्रकार से जाँच कर रही है, चीज़ें सामने आ रही हैं, तो लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से डाटा खंगाला नहीं गया कि कितने आरोपी हैं, और सभी लोगों को अभी तक नहीं पकड़ा गया है, क्योंकि दिन ब दिन कोई ना कोई आता रहता, पकड़ते रहते हैं, तो चीज़ें ये उसी में चल रही हैं, उस पर बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लिया गया है। अब मैं अंत में बात करूंगा उत्तर कुंजी अपडेट पे। तो मित्रों, उत्तर कुंजी अपडेट पे मैंने कल भी जो कहा था, आज भी वही मैं बताऊँगा आपको कि हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं, लगे हुए हैं, जब तक कोई सार्थक नहीं आता तो हम आपको बताने नहीं आते। हालांकि आपके इतने मैसेज और फोन आते हैं कि मुझे बताना ही पड़ता है कि दोस्त कल जो स्थिति थी आज भी वही स्थिति है, स्थिति में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है कि हम कुछ आगे बढ़े हो, अभी भी यथास्थिति बरकरार है, ठीक है। कुल मिला जुला के कार्य अभी भी आपका पेंडिंग में चल रहा है, चीजें जब स्पष्ट हों तब तो आपको आकर के बताई जाए। और आगे मैं बताऊं याची कैसे बने, तो मित्रों याची बनने के लिए टीम द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रोसेस नहीं चलाया जा रहा, हम याची नहीं बना रहे। हालांकि कुछ साथी कमेंट बॉक्स में ये कह रहे थे कि सर
आप ही कोई टीम बना दीजिए। तो मित्रों देखिए, हम अपने ऊपर विश्वास कर सकते हैं और बाकी और किसी पे विश्वास करके ये नहीं कहेंगे आप इस पे विश्वास करके इनको पैसा दे दीजिए, ठीक। ये आपकी खुद की स्वेच्छा है, आप अपना टीम खुद से बनाइए, खुद से आप अपनी एक रीड डाल लीजिए, वो आपके ऊपर है। बाकी याची लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दोस्त अभी तक इसके विषय में हमने हमेशा बताया कि याची लाभ जैसी स्थिति प्रेजेंट टाइम में नहीं है, भर्ती स्टार्ट हो जाती है तो ऐसी दशा में याची लाभ मिलने की संभावना बनती है। खैर अभी भर्ती स्टार्ट नहीं है तो ऐसी दशा में याची लाभ मिलने की संभावना ना के बराबर है। और दूसरी बात, अभी जज साहब के सामने आपका मामला गया ही नहीं, इस पर सुनवाई ही नहीं हो पाई, तो ऐसी दशा में मैं स्पष्ट ही नहीं कर पाऊंगा कि याची लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाकी उत्तर कुंजी को लेकर के आप जो इतने भी साथी परेशान हैं, मैं बस उनको इतना कहना चाहूंगा, आपको धैर्य रखना होगा, सही समय का इंतजार करना होगा, जब चीजें आपके हक में होंगी, जब गेंद आपके पाले में होगी तो फिर आपकी बात बनेगी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपको मैं कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, गेंद सरकार के पाले में है, सरकार डेट जब लगवा ले तो मामले की हियरिंग हो सकती है। हालांकि पिछली सुनवाई के बाद लखनऊ डबल बेंच में हियरिंग कन्फर्म है कि हियरिंग होनी है। अब देखना यह है कि किस बेंच में लगती है, कौन सा नंबर होता है, एडिशनल कितने नंबर पे लगता है, क्या इस बार नंबर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, ये सारी चीजें होंगी। कुछ साथी सुप्रीम कोर्ट के लिए कर रहे थे, दोस्त उसके लिए हम प्रयासरत हैं, लेकिन जब चीजें आपके पॉजिटिव वे में हो तो मैं आके उसके विषय में आपको बताऊं। खैर अभी आपकी चीजें आपके पॉजिटिव वे में नहीं है तो इसलिए मैं उसमें आके नहीं बता सकता कि नहीं हाँ आपकी डेट लग गई, आपकी सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, ये सारी चीजें, ठीक है। फालतूबाजी, फालतू की चीजें, झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं है, जो सत्य है वो मैं आपको बता दिया हूँ। स्थिति पहले जैसी थी अभी भी वैसे ही है, ठीक है, जैसे ही कार्य कुछ आगे बढ़ेगा मैं आपको बताऊंगा। बाकी प्रयास की बात करेंगे तो आप टीम प्रयासरत है, हम काम कर ही रहे हैं, काम करने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही, अगर आपको बातों पे विश्वास हो तो, और नहीं हो तो भाई आप कोई भी साथी जिस पे लोग विश्वास करें वो आप आकर के खुद पर्सनली मिले और इसके बाद चीज़ों को जान लें, ठीक। तो कुल मिला जुला के यही अपडेट है, फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।